दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा लगातार दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन एवं नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज और दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 में इस तरह के प्रयास जारी हैं। 2018 से इस तरह के प्रयास निरंतर जारी हैं, जिसमें प्रदेश सरकार को पत्र लिख दिए गए हैं और केंद्र सरकार को पत्र लिखे गए हैं। गत 3 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री ने एक पत्र लिखा था, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई थी और कॉलेज से भी पत्र पहुंचाया गया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन और नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही दमोह जिले को नए इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में एक बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल द्वारा वर्ष 2018 से लगातार पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन के लिए किए जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने पहले यहाँ जब भोपाल के लिए एक आवेदन भेजा था, उस पर कार्रवाई हुई, फिर वहाँ से एक पत्र आया, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए हम लोगों ने आयुक्त के लिए पत्र लिखा था, जिसमें एक परमिशन मांगी गई थी और परमिशन आने के बाद यहाँ दमोह में एक आवेदन करना था जो कि उन्नयन के हेतु था, ऑनलाइन आवेदन था, उसको आवेदन किया गया है। और जहाँ तक इसके उन्नयन की बात है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें ये दमोह शहर के लिए एक सौगात मिलेगी। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके उन्नयन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसा कि हम लोगों ने फिर बाद में चर्चा भी की और मालूम पड़ा कि यहाँ पर्याप्त तो ज़मीन है, 40 एकड़ ज़मीन है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिसमें कि 4 ब्रांचेस का अभी संचालन हो रहा है। और जिसमें जब एक बात आई थी कि इसमें सीमेंट फैक्ट्री हमारे चारों तरफ है, तो एक ब्रांच जुड़वाने की बात आई थी, तो हम लोगों ने उसमें एक सीमेंट इंडस्ट्री करके एक ब्रांच है उसको जुड़वाया और प्रिंसिपल साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की है और माननीय मंत्री जी ने तो करी ही है और बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी हमें दमोह में इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिलेगी। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ हम पॉलिटेक्निक को ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी क्यों है वहाँ है और वहाँ रहेगा, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज की भी शुरुआत हो सकती है। तो भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, हमारी संस्था द्वारा दिनांक 4 अप्रैल को आयुक्त महोदय को उन्नयन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है कि उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको प्रदान करें और यहाँ पे दमोह में इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपको पत्र दिया गया था जी माननीय सांसद के द्वारा, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। 3 तारीख को मुझे 3 अप्रैल को पत्र प्राप्त हुआ था, मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए 4 अप्रैल को आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दिया, कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत करा दिया इस बात से कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। पिछले 2016 से तीसरी बार पत्र भेजा जा रहा है, सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इसके पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है आपको सफलता मिलेगी, दमोह को नया इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिल सकती है। जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी चल रहा है, नए इंजीनियरिंग भवन के लिए या कॉलेज के लिए प्रस्ताव है या फिर अपना इसी को उन्नयन होगा इसके लिए दोनों? नहीं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज तो चलता रहेगा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह है, भूमि उपलब्ध है, तो हमारा प्रस्ताव है कि अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक के साथ साथ खुल जाता है तो कोई हमको परेशानी नहीं होगी। इंजीनियरिंग पर्याप्त है।